आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक रेजिडेंशियल और कमर्शियल। वो रेजिडेंशियल नो डाउट बहुत अच्छा है अगर आपने खुद रहना है। तो ये हम आगे हैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हमारा 65% तक की कंस्ट्रक्शन डन हो चुकी है। हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल लो राइज है, इससे ऊपर प्रोजेक्ट और नहीं जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मिशन प्रॉपर्टी। Your mission is our mission. तो आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखते हो तो आपके लिए जो ऑप्शन, आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक रेजिडेंशियल और कमर्शियल। तो आप कमर्शियल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के ये चांसेस होते हैं कि आपको रेंटल इनकम चाहिए होती है। रेंटल आपको रेजिडेंशियल में भी मिलते हैं, रेंटल आपको कमर्शियल में भी मिलते हैं। बट फर्क ये होता है कि आपका जो कमर्शियल है, कमर्शियल में आपके रेंटल जो रहते हैं वो हाई रहते हैं। आप अगर आज 50 लाख की शॉप ले रहे हो, उस पे आपको अगर आपका रेंट मिल रहा है 15,000 रुपए, और आप आज रेजिडेंशियल ले रहे हो, 50 लाख का आप फ्लैट ले रहे हो, उस पे आपको रेंट मिलेगा 12,000 रुपए। वो फ्लैट आप आज से 3 साल बाद देखो, 3 साल बाद काफी नए तरीके के फ्लैट्स आ जाएंगे। आपका वही फ्लैट जो आपने 50 लाख का लिया है वो आपका 45 लाख का मिलेगा। तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि पहले दुकान फिर मकान, क्योंकि आप मकान लेने के बाद दुकान नहीं बना सकते, पर दुकान लेने के बाद एक मकान जरूर बना सकते हो। तो अब हम बात करने जा रहे हैं HLP सोशल स्क्वायर के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम आगे हैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट हमारा 65% तक की कंस्ट्रक्शन डन हो चुकी है। हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल लो राइज है, इससे ऊपर प्रोजेक्ट और नहीं जाएगा, क्योंकि आप कहीं भी देखते हो कमर्शियल आपका बहुत हाई राइज जाता है। हमारा सिर्फ लोअर ग्राउंड प्लस 3 का कॉन्सेप्ट है। थर्ड फ्लोर का हमारा लेंटर डल रहा है, पूरा प्रोजेक्ट हमारा 7.25 एकड़ में। जी, इसमें आप देख सकते हो हमारे पास डबल हाइट शोरूम से लेकर आपके सिंगल हाइट शोरूम, बे शॉप, स्मार्ट रिटेल, गेमिंग जोन, मल्टीप्लेक्स, हर एक चीज आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। आपका जो है एक खाने पीने से लेकर आपका इंटरटेनमेंट, आपका क्लोथवेयर, फुटवेयर, हर एक चीज मिल रही है। सेंटर लोकेशन पे पड़ता है, हाईवे का बिल्कुल प्रोजेक्ट पड़ता है हमारा, और आपका जो है एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल साथ में है। 800 मीटर की दूरी पे एयरपोर्ट रोड आ जाता है, बिल्कुल सामने आपका एयरपोर्ट आ जाता है। तो हाईवे का बिल्कुल प्रोजेक्ट है, लोराइज कॉन्सेप्ट में है, और आपको हर एक चीज यहाँ पर मिलनी है। जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 10.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है। प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई फ्लाईओवर नहीं है हमारे प्रोजेक्ट के पास। विजिबिलिटी रहेगी, क्योंकि सर कमर्शियल तभी चलता है जब आपकी विजिबिलिटी होती है ओपन रिटेल में। और जो मैंने आपको बताया था 64% हमारी ग्रीन बेल्ट है सर। इस ग्रीन बेल्ट पे आपको वाटर फाउंटेन मिलेगा, लॉन्चिंग एरिया मिलेगा, जैसे आपका कोई गाना आता है, वीडियो आती है, गाड़ी आती है, मोबाइल आता है, आप हर चीज़ लॉन्च कर सकते हैं। और ओपन रिटेल में ये होता है कि आपके सिर्फ इनवाइटेड क्लाइंट नहीं, इवन जो आपके रेगुलर जा रहे हैं क्लाइंट वो भी आपके पास आते हैं। यहाँ पे डबल हाइट, सिंगल हाइट, आपके AC मार्केट जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, गेमिंग जोन हमारे पास अवेलेबल है, और आपको सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स आपको पता होगा पटियाला रोड जो है वो शादियों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। 3 बैंकेट हॉल्स आ जाएंगे, उसमें रिसेप्शन एरिया, सोहोस, ऑफिस स्पेस, आपके होटल रूम, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हो, आप इस पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी हर एक क्वेरी सॉल्व की जाएगी, आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दी जाएगी। आप एक बार कॉल कीजिए नंबर पे, क्योंकि अगर आप कॉल नहीं करते हो तो आप एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ने जा रहे हो। अगर थोड़ा सा मैं कंपेयर करूँ, रेजिडेंशियल नो डाउट बहुत अच्छा है अगर आपने खुद रहना है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या आप कुछ भी अमाउंट अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमर्शियल से अच्छा आपको और कुछ नहीं है। कमर्शियल में क्या रहता है, आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको रिटर्न्स जो है अप टू 12% तक मिल जाती है। और यही अगर मैं कंपेयर करूँ रेजिडेंशियल में, तो इसकी रिटर्न्स जो आपको जाती है 2-3% की मैक्सिमम रहती है। एक रेजिडेंशियल में जो आपकी एप्रिसिएशन रहती है वो 5-10% के बीच में वेरी करती है, और ना हायर साइड। अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें कमर्शियल में, तो कमर्शियल में आपकी जो एप्रिसिएशन रहती है वो 20-25% की रहती है, दैट इज़ अ मिनिमम। तो आपको एक एप्रिसिएशन बहुत अच्छी मिल जाती है कमर्शियल में कंपैरेटिवली रेजिडेंशियल में। HLP सोशल स्क्वायर ही क्यों, HLP सोशल स्क्वायर एक प्रोडक्ट मिक्स है जिसमें हमारे पास वर्चुअल स्पेसेस हैं, वी हैव स्मार्ट रिटेल, AC मार्केट, वी हैव बे शॉप्स, मिनी शोरूम्स, वी हैव डबल हाइट शोरूम्स, वी हैव ट्रिपल हाइट फाइन डाइनिंग्स, वी हैव मल्टीप्लेक्स, वी हैव फूड कोर्ट, फाइन डाइनिंग कियोस्क,
हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जो भी आपका टिकट साइज है वो सारी नीड्स आपकी कैटर होती हैं इन HLP, सोशल स्क्वेयर, विद फिक्स रेंटल्स, विद फिक्स लीजिंग्स। कम हैव अ विजिट एंड गो फॉर द इन्वेस्टमेंट इन HLP सोशल स्क्वेयर। थैंक यू। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोजेक्ट में मल्टीप्लेक्स आ रहा है, बस वही कॉन्सेप्ट में आपको हम मिनी थिएटर की फील जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ मिशन प्रॉपर्टी के साथ। योर मिशन इज़ आर मिशन।